हर महीने इंपॉर्टेंट ड्यू डेट्स को याद रखने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है, सीए गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो इस वीडियो में आपके साथ डेट वाइज शेयर कर रही हूँ कंप्लायंसेस फॉर द मंथ ऑफ फरवरी 2020। यहाँ मैं आपको डेट वाइज कंप्लायंसेस बता रही हूँ, चाहे जीएसटी के हैं, इनकम टैक्स के हैं या अदर हैं। यहाँ मैंने स्टार्ट किया है 7 फरवरी 2020 से, क्योंकि ऑलरेडी 5 दिन फरवरी के जा चुके हैं और 5 फरवरी तक जीएसटी 9 और 9C ही फाइल हो रही थी, और 7 फरवरी को भी जो ड्यू डेट है, पहली है टीडीएस और टीसीएस पेमेंट की, यानी जो टीडीएस या टीसीएस आपने जनवरी मंथ में डिडक्ट किया है आपको उसे 7th या उससे पहले पे कर देना है, और जीएसटी 9 एंड 9C की ड्यू डेट कुछ स्टेट्स के लिए 7 फरवरी 2020 है, जिसे मिस ना करिएगा। किन स्टेट्स के लिए ड्यू डेट है 7 फरवरी फॉर 9 एंड 9C, चलिए आपको जल्दी से एक बार बता देती हूँ। तो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 7 फरवरी डेट रहेगी ड्यू डेट, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, सिक्किम, तेलंगाना, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, अदर टेरिटरी, और साथ ही उत्तर प्रदेश की ड्यू डेट भी 7 फरवरी है, क्योंकि नोटिफिकेशन में गलती हो गई थी, गलती से इसे 5 फरवरी में डाल दिया था, पर क्वारीजेंडम रिलीज कर दिया था गवर्नमेंट ने और इस गलती को सुधार दिया था। तो अगर आप यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप भी 7 फरवरी तक ही जीएसटी 9 और 9C फाइल कर सकते हैं। तो यदि 7 फरवरी की ड्यू डेट्स बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट्स की तरफ, नेक्स्ट ड्यू डेट है 10 फरवरी 2020, और इस डेट तक आपको फाइल करनी है जीएसटीआर 7 और 8। जीएसटीआर 7 और 8 वो पर्सन फाइल करते हैं जो जीएसटी में टीडीएस एंड टीसीएस डिडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर आप एप्लीकेबल नहीं है तो 10 फरवरी को आपके लिए कोई भी और कंप्लायंस नहीं है। चले बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट की तरफ, जो है 11 फरवरी। इस डेट को जाती है मंथली जीएसटीआर 1, तो अगर आपने ऑप्ट किया है मंथली जीएसटीआर 1 फाइलिंग के लिए, आपको 11 फरवरी तक जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। और अगर आपको अपनी जीएसटी की रिटर्न फाइल करने में परेशानियां होती हैं तो हम आपको सजेस्ट करते हैं क्लियर टैक्स का जीएसटी सॉफ्टवेयर यूज करके देखिए, 30 डेज का फ्री ट्रायल है, अच्छा लगे तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, और मैं पर्सनली इसी सॉफ्टवेयर को यूज करती हूँ, इसलिए आपको भी एडवाइस करती हूँ। चले जाते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट, जो है 13 फरवरी 2020, और इस डेट को जीएसटीआर 6 फाइल होनी है, जो होती है फॉर इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर्स। नेक्स्ट ड्यू डेट रहेगी इंपॉर्टेंट 15 फरवरी, यानी इस डेट को आपको पीएफ एंड ईएसआई डिपॉजिट करना होता है, और इसके बाद जो ड्यू डेट है वो है 18 फरवरी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंपोजिट टैक्स पेयर्स। अगर आपने जीएसटी की कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट की हुई है तो आपको CMP 08 फाइल करना है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक का 18 फरवरी या उससे पहले, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ड्यू डेट, विच इज 20 फरवरी 2020। 20 फरवरी को हमें जीएसटी 5 और 5A जो एप्लीकेबल है नॉन रेजिडेंट पर्सन के लिए, उन्हें फाइल करनी है जीएसटी 5 या 5A, और जीएसटी 3B जो हम सभी को पता है कि 3B फाइल करनी होती है 20th तक, पर आपको अभी याद दिलाना चाहूंगी कि जीएसटी 3B की ड्यू डेट अब स्टेट वाइज हो चुकी है, तो 20th फरवरी तक सिर्फ वो पर्सन फाइल करेंगे 3B जिनकी टर्नओवर है 5 करोड़ से अबव, ठीक है। तो अगर आपकी टर्नओवर 5 करोड़ से अबव है तो आपके लिए ड्यू डेट 20th है, अगर 5 करोड़ से कम है तो स्टेट वाइज ड्यू डेट है। चलिए एक बार आपको दिखा देती हूँ, टर्नओवर अगर आपकी 5 करोड़ से कम है तो आपके लिए ड्यू डेट हो सकती है 22nd, अगर आप इन स्टेट्स में बिलोंग करते हैं जो मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे बता रही हूँ, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अदर यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नागर हवेली, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप, इनकी ड्यू डेट रहेगी 22 अप्रैल। आप चाहें तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ताकि या फिर आप अपने स्टेट के अकॉर्डिंग इसे नोट कर लीजिए, पर उन पर्सन को सभी डेट्स याद रखनी पड़ेंगी जो बहुत सारी स्टेट्स के लोगों के लिए काम करते हैं। नेक्स्ट ड्यू डेट है 3B के 24th, और वो जिन स्टेट्स पे एप्लीकेबल है वो है हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल, झारखंड, ओडिशा और यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, चंडीगढ़ एंड दिल्ली, इनके लिए ड्यू डेट है 24 अप्रैल फॉर जीएसटी 3। जीएसटी 3B भरने के साथ ही आपको जीएसटी भी पे करना होता है।
तो हमने फरवरी की ड्यू डेट 24th तक डिस्कस कर ली, यानी 3B के लिए अब तीन डेट्स है, 20, 22 एंड 24। तो स्टेट वाइज आपको ध्यान रखना है किसके लिए 22 है और किसके लिए 24 है। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं बैक करके एक बार स्टेट वाइज 3B को जानने के लिए, ठीक है। साथ ही आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी कि बजट 2020 में एक बहुत ही अच्छी स्कीम अनाउंस की गई है, ये है विवाद से विश्वास स्कीम 2020, जो है इनकम टैक्स के पेंडिंग मैटर्स को ख़त्म करने के लिए। यानी अगर आपका कोई भी मैटर अपील में फंसा हुआ है तो आप उसे खत्म कर सकते हैं अगर आप ऑप्ट करते हैं विवाद से विश्वास स्कीम। इसमें सिर्फ आपको डिस्प्यूटेड टैक्स पे करना पड़ेगा, कोई भी इंटरेस्ट, लेट फी या पेनल्टी जो आप पे लगी है वो नहीं देनी पड़ेगी। इस स्कीम के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो देख लीजिए, मैंने आई बटन पर लिंक कर दी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ विवाद से विश्वास स्कीम की वीडियो को भी शेयर करना है। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है क्योंकि अभी भी बहुत सारे लोग अवेयर नहीं है। जैसे GST में स्कीम आई थी सबका विश्वास स्कीम, ऐसे ही अब इनकम टैक्स में भी ये स्कीम आई है। गवर्नमेंट चाहती है कि जो उनका इस डिस्प्यूट्स की वजह से टैक्स अमाउंट अटका हुआ है वो आ जाए और गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाए। पर टैक्सपेयर्स के लिए भी अच्छी ऑप्शन है अपने सभी डिस्प्यूट्स को खत्म करने के। और इनकम टैक्स में तो बहुत सारे मैटर्स मैंने ऐसे देखे हैं जिनमें टैक्सपेयर्स इसलिए कोई भी एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि धीरे धीरे टाइम के साथ साथ इंटरेस्ट, पेनल्टी और लेट फी का अमाउंट ही टैक्स से ज़्यादा हो जाता है। तो अगर आप इस स्कीम में चले जाएंगे तो ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल के अपने डिस्प्यूट्स को ख़त्म कर सकते हैं। GST की इतनी इंपॉर्टेंट रिटर्न्स फाइल करने में अगर आपको मुश्किल आ रही है तो आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, और मैं पर्सनली क्लियर टैक्स का GST सॉफ्टवेयर यूज़ करती हूँ। ये डैशबोर्ड है क्लियर टैक्स GST सॉफ्टवेयर का, जब आप साइन अप कर लेते हैं तो आपको भी ऐसा ही डैशबोर्ड मिल जाएगा। यहाँ पे सभी फीचर्स हैं, चाहे आप इनवॉइस बनाना चाहें, रिटर्न्स फाइल करना चाहें, एनुअल रिटर्न फाइल करना चाहें, रिपोर्ट्स देखना चाहें यानी मैच करना चाहें अपने 3B को 1 से, 2A का रिकन्सिलेशन करना चाहें, मल्टीमंथ 2A डाउनलोड करना चाहें, और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स यहाँ पे आपको दिखाई देती हैं। तो इसके इतने सारे यूनिक फीचर्स का फायदा उठाने के लिए आप इसे एक बार साइन अप करके देखिए, 30 डेज का फ्री ट्रायल है। अच्छा लगे तो ऑफर्स का फायदा उठाइए जो CA गुरुजी चैनल के व्यूवर्स के लिए क्लियर टैक्स ने दिया है। ऑफर्स आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने सभी रिलेवेंट लिंक्स डाल दिए हैं, आप चाहें तो इसे ट्राई करके बाय कर सकते हैं। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन से। बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं क्लियर टैक्स से एनुअल रिटर्न कैसे फाइल करनी है, उसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहें तो देख सकते हैं। सो आई एम होपिंग दिस वीडियो इज रिलीवेंट फॉर यू। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और CA गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही हमें फॉलो करिए इंस्टाग्राम पे, आईडी आपको मेरी स्क्रीन पे दी हुई है, और फेसबुक और ट्विटर पे सर्च कर लीजिएगा #CA गुरुजी। और हमारे उन सभी व्यूवर्स को दिल से करना चाहूंगी थैंक यू जिन्होंने हमारे सब्सक्राइब बटन के साइड में दिए गए छोटे से बेल आइकन पे प्रेस किया हुआ है और वो देखते हैं हमारी वीडियो सबसे पहले। दिल से आपको थैंक यू, और आप भी बेल आइकन को प्रेस करके जुड़िए हमारी सबसे पहले देखने वाली फैमिली में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।